हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीनूज होम फूड। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी, टेस्टी एंड झटपट बनने वाली टिफ़िन बॉक्स रेसिपी। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या कभी भी, जब कभी आपको छोटी मोटी भूख लगे, शाम के टाइम पे छोटी मोटी जब भूख लगती है तब भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है एंड इतनी टेस्टी है कि आप इसे बार बार बनाओगे एंड बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कप सूजी ली और आधा कप उसमें दही डाल दिया, होममेड दही। उसके बाद मैंने आधा कप इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके ढककर रख दिया 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए सूजी हमारी फूल चुकी है। तो मिनिमम 5 मिनट रेस्ट देना इसको ज़रूरी है। तो जब तक सूजी रेस्ट पे थी ना, तब तक मैंने 2-3 चीज़ें इसके लिए कट करके रखी हुई है। यहाँ पर मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है, एक बारीक कटा टमाटर, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च एंड साथ में डाल दिया मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। थोड़ा सा मिला लेंगे इसे और अब इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक, मिला लेंगे इसे। अब इसमें मैं थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। देगी मिर्च पाउडर डाला है मैंने सिर्फ कलर के लिए, ताकि हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाए। एंड इसके बाद लास्ट में ना इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा, मतलब 1 पिंच के करीब इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। ये देखिए इतना सा मिलाएंगे इसे अच्छे से। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं एंड ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है एंड आप सोचो ये खाने में कितना टेस्टी बनेगा। हल्का हल्का सा खट्टा खट्टा सा स्वाद इसका आएगा। तो सबसे पहले तवे पे हम डालेंगे घी। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब घी डाला है, आप तेल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको तवे पर स्प्रेड कर लूँगी और अब ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है ना, ये मैं इस कड़छी से ले रही हूँ। तो मैं छोटे छोटे से ये उत्पम बनाऊँगी, तो बस आप अपने हिसाब से देख लेना। आप चाहें तो इसे बड़े बड़े भी बना सकते हैं या सिर्फ एक भी बना सकते हैं पूरे तवे पे। तो क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए तैयार कर रही हूँ और उनको छोटे छोटे देखने में भी बहुत क्यूट लगते हैं, इसलिए मैं, और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और थोड़ा सा हल्का सा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, तो हम इसे पलट लेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर इसका आया है। थोड़ा सा घी मैं इसमें और डाल रही हूँ, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा घी इसमें अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। तो बस दोनों तरफ से हम इसे इसी तरह से पकाएंगे। तो ये देखिए हमारे मिनी उत्तपम बनकर तैयार हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए हमारे मिनी उत्तपम तैयार हैं। बस इसी तरह से हम बाकी के उत्तपम भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो गाइस ये मिनी उत्तपम ना इतने टेस्टी लगते हैं, मतलब एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखना। एंड आपने देखा कि इसमें बिल्कुल भी प्रेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें बस सूजी को भिगोकर फटाफट उसके लिए कुछ सब्जियां काट के सिंपल से नॉर्मल, मतलब प्याज हरी मिर्च वगैरह डाल के, नमक वगैरह डाल के, बहुत ही अच्छे से आसानी से झटपट ये नाश्ता तैयार हो जाता है। एंड ये हेल्दी भी है क्योंकि सूजी से बना हुआ है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर हमारे मिनी उत्पम तैयार हैं, बच्चों के फेवरेट, और अब लंच बॉक्स तैयार करते हैं। साथ में मैं एक गुजिया रख रही हूँ। फ्रूट बॉक्स में डाल रही हूँ ग्रेप्स, उसके फेवरेट हैं। एंड साथ में मैंने यहाँ पर टोमेटो सॉस रख दी है उत्पम के साथ, और इसमें मैं रख देती हूँ एक फॉर्क एंड साथ में मैंने यहाँ पर एक स्पून रख दी है। तो ये हमारा आज का लंच बॉक्स पैक होता है।
एंड सेकंड लंच बॉक्स तो मैं प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि बेटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उसने अपनी फ्रेंड को प्रॉमिस किया होगा कि वो उसको गुजिया खिलाएगी, और इसलिए मैंने सुबह मतलब 5 बजे उठकर पहले तो गुजिया बनाई 5 से 6। और कहते हैं ना कभी कभी बच्चों की खुशी में ही हमें भी खुशी मिलती है, तो बस उसको खुश करने के लिए मैंने यहाँ पर उसके लिए 4-5 गुजिया बनाई है। होली पे जो गुजिया बनाई थी वो ख़त्म हो गई थी तो इसलिए मुझे दोबारा से बनानी पड़ी। एंड उसके फ्रूट बॉक्स में भी मैंने ग्रेप्स रखे हैं, उसके फेवरेट हैं, आई थिंक सभी बच्चों के फेवरेट होते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लंच बॉक्स तैयार होता है। एंड आपको ये लंच बॉक्स रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।